दोस्तों ये कहावत तो सुना था कि बूंद बूंद से सागर बनता है, लेकिन अब ये तो नहीं पता था कि एक एक रुपए करके 300 करोड़ भी कमाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ करीब 2 साल पहले लॉन्च हुई पल्स कैंडी की, जिसने अपने लॉन्चिंग के महज 8 महीनों में 100 करोड़ और 2 सालों में 300 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। रजनीगंधा पास पास और कैच मसाला बनाने वाली कंपनी डीएस ग्रुप ने 2015 में इस कच्चे आम की फ्लेवर वाली कैंडी को बाजार में उतारा था, जिसके बाद से ही इस कैंडी ने बहुत ही जल्द विश्व की बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को पीछे छोड़कर लोगों की जुबान पर अपनी जगह बना ली। दोस्तों अब ऐसा भी नहीं है कि भारतीय लोगों ने इस फ्लेवर की कैंडी पहले कभी नहीं खाई। इससे पहले भी पार्ले कच्चा मैंगो बाइट ला चुका है, लेकिन पल्स ने इस फ्लेवर को एक नया रूप दिया और कच्चे आम के स्वाद के साथ कुछ खट्टे मीठे मसाले इस कैंडी में डाले गए, जो इसके स्वाद को सबसे अलग और मजेदार बनाता है। यहाँ तक कि इसका क्रेज इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों ने तो शुरुआत में इसका पूरा डिब्बा ही खरीद लिया था, और इसी वजह से मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम, जिससे यह ब्लैक में मिलने लगा था, और कुछ लोकल कंपनियों ने तो इसका डुप्लीकेट निकालना भी शुरू कर दिया। दोस्तों डीएस ग्रुप के इस कैंडी को सबसे पहले फरवरी 2015 में ट्रायल के लिए गुजरात में लॉन्च किया गया था, जहां लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि जल्द ही इसकी सप्लाई पूरी भारत में की जाने लगी, और देखते ही देखते यह 1 रुपए की कीमत वाली कैंडी ने 300 करोड़ की सेल्स करते हुए ओरियो जैसी मल्टीनेशनल कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया। इससे पहले 2011 में लॉन्च हुए ओरियो की सेल्स 283 करोड़ रुपए रही थी। इसके अलावा कोका कोला द्वारा खूब प्रचार किए गए प्रोडक्ट कोक जीरो का सेल्स 120 करोड़ रुपए रह चुका है। और हाँ, इस कैंडी की एक खास बात यह भी है कि इसके प्रचार पर कोई खास खर्च नहीं किया गया था। इसका टेस्ट ही ऐसा था कि लोगों ने खुद ट्राई किया और दोस्तों को ट्राई करने को बोला, और इस तरह पल्स की डिमांड बढ़ती गई। डीएस ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शशांक सुराना का कहना है कि पल्स अपने टेस्ट की वजह से लोगों की पसंद बनती जा रही है। अब हम इसे सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के स्टोर्स पर भी बेचने की तैयारी में है। दोस्तों अंत में अगर इस कैंडी के सफलता को हमें एक शब्द में बयां करना हो तो वो है इनोवेशन, या फिर हिंदी में बोले तो नवीनीकरण। पल्स ने भी पार्ले की कच्चा मैंगो बाइट की तरह ही कैंडी बनाई, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ खट्टे मीठे मसाले का टेस्ट डालकर एक नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारा। और अगर इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी नए आइडिया के साथ कुछ अलग करना चाहा है तो उसे हमेशा सफलता मिली है। उम्मीद है कि आपको पल्स कैंडी के स्वाद के साथ साथ इसकी सक्सेस स्टोरी भी जरूर पसंद आई होगी। आपको पल्स कैंडी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।